श्रीवास्तव, आपको ये भी कवर पेज दिखाने जा रहे हैं। बच्चे सब एकदम आर्टिस्ट हो गए हैं और अच्छे अच्छे कवर पेज बना रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है सर, वीडियो सब यूट्यूब पे मैं डाल दूँ ताकि सबको हेल्प होता रहे और आगे भी बच्चे इसको देख के बनाते रहे। देखिए, पहले इजी तरीके से आपको बना लेना है। अब इसको हम फिनिशिंग टच देंगे क्योंकि बच्चे ने इतना किया है। और इसका नाम क्या है, इस टेम्पल का नाम क्या है? विरूपक्षम टेम्पल। ये साउथ का टेम्पल है, इनको साउथ का मिला हुआ है। तो आपको इस तरह से कवर पेज बनाना है। यहाँ पर हेडिंग आपको लिखनी है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और इसको अच्छे से भी डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, इसका ड्राइंग इसकी स्टेप से है। इसमें से कुछ कुछ पार्ट हम लोग ले करके यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको कलर करना शुरू कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा इफेक्ट दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चे बना रहे हैं। ये देखिए, धीमे धीमे आपको स्टेप बाई स्टेप करना होता है। पहले आपको घबराना नहीं कि कितना क्या बनाना है। पहले हल्का हल्का करके देखिए, लाइट कलर से वॉश कर रहे हैं, इसको मर्ज करते जा रहे हैं तो हल्का सा स्टोन का लुक आता जा रहा है। तो आपको धीमे धीमे इस ड्राइंग करनी होती है, यानी कितना डिफ़िकल्ट है तो कैसे बनेगा। बच्चे पहले ही घबराने लगते हैं, आपको घबराना नहीं है। इसीलिए मैं इसे वीडियो बना के दिखा डाल देते हैं ताकि आप आगे भी अपने प्रोजेक्ट के लिए हेल्प हो जाए। पिछले साल जो हमने डाला था उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प हुआ था और इस बार भी हम ये सब वीडियो डाल देंगे तो बच्चों को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप सर्कल का आपको इसको वॉश करते जाना है, ये स्टोन दिखा देना है इस टाइप का, हल्का सा कलर लेना है। ये कलर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, अलग अलग कलर मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास छोटी टिक्की वाले कलर पड़े तो फेंकना नहीं है आपको, उसको भी रखे रहना है संभाल कर, कभी कुछ काम आता है कभी कुछ काम आता है। इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और फिर नाम लिखेंगे। इस टाइप से आपका कवर पेज बन जाता है स्क्रैप बुक का। आप इसके ऊपर मोटा टिंट पेपर लगाएंगे, पतला टिंट पेपर नहीं लगाना आपको। ठीक है, इसने येलो कलर का पेपर लिया था, लाइट ब्लू ले सकते हैं आप, वाइट ले सकते हैं। तो आपको एकदम मोटा वाला टिंट पेपर लेना है और बहुत हल्के यहाँ से ब्रश चलाना है, बहुत ज़्यादा ब्रश को रब नहीं करना है आपको। और भी अच्छा डिटेलिंग करनी है पतले ब्रश ले करके तो आप थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको काफ़ी चीज़ें दिखने लगती बाद में। देखो, और अच्छे से आपको फिनिशिंग दे देना है। इस टाइप से आपको थोड़ा सा फिनिशिंग और देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप हल्का हल्का टेक्चर, क्योंकि पुराने खंडहर टाइप के जो हो जाते हैं ना, उस टेम्पल का जिसके ईंटें गिरे पड़े हैं, ये पड़ा हुआ है, तो उस टाइप का टेक्चर हमको देना है। पूरा एकदम क्लियर पेंटिंग हमको नहीं बना देनी है, हल्का का मडी मडी टाइप का पेंटिंग रहेगा, हल्का ऑकर वगैरह मिला के इसको बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए पूरा रेडी हो गया है। अंदर हम लोग कवर पेज को भी डेकोरेट कर दिए हैं इस टाइप से। हर पेज को हल्का आपको डेकोरेट कर देना है, जिस जैसे ड्राइंग बनी सब आपको ऐसे डेकोरेट करना है। शीट के ऊपर डेकोरेशन डाल देना है हल्का हल्का। यहाँ पे थैंक यू लिख देना है। तो इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस टाइप से